महाराजगंज तहसील महाराजगंज में मकर संक्रांति के मौके पर उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में समरसता भोज खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा एवं क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी ने अपने हाथों से मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को खिचड़ी परोसी। SDM विनय कुमार मिश्रा और क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से बताया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में जाना जाता है। 14 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता ऐसा माना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। इस मौके पर तहसीलदार विनोद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अभिजीत गौरव, रजिस्ट्रार कानूनगो भानु किशोर त्रिपाठी, पेशकार अंजनी कुमार बाजपाई सहित तहसील के अधिवक्ता राधेश्याम एडवोकेट राजपक्ष सिंह, नागेंद्र सिंह, भूपेश मिश्रा, सर्वेश कुमार अवस्थी, प्रेस क्लब महाराजगंज संरक्षक व वरिष्ठ पत्रकार सुभाष पांडेय सहित अधिकारी एवं फरियादियों ने खिचड़ी भोज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट।